सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रसिद्ध मेघदूत के महत्वपूर्ण श्लोकों का गान और व्याख्यान। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेमी बंधुओं, जिसने मेघदूत नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। केवल 120 श्लोकों का यह खंड काव्य गीति काव्य संस्कृत साहित्य का एक अनमोल हीरक मणि है। इसमें दो मेघ हैं, दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। एक छोटी सी कथा वस्तु है, महाकवि कालिदास को वाल्मीकि रामायण से शायद प्रेरणा मिली है और उन्होंने संस्कृत साहित्य में दूत परंपरा, दूत काव्य का प्रवर्तन किया। पूर्व मेघ जहाँ भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है, एक तरह से मेघ मार्ग है, मध्य भारत के रामगिरी से लेकर के हिमालय के अलकापुरी तक का प्राकृतिक भौगोलिक वैभव, और उत्तर मेघ में वह यक्ष है, वह मेघ को अपना संदेश कहता है कि मेरी यक्षिणी तक ये संदेश पहुंचा देना। कुल मिलाकर कहें तो कल्पना लोक की एक ऐसी उड़ान जिसमें महाकवि कालिदास ने काव्य कौशल का अद्भुत परिचय देते हुए विषय वस्तु का ऐसा प्रवर्तन किया है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उनके लिए यह सुक्ति हो गई कि मेघे मागे गतम वयः, अर्थात मेघ को पढ़ने में, अर्थात मेघदूत को पढ़ने में उम्र चली जाती है, कभी बोरियत अनुभव नहीं होती है। हर बार पढ़ने पर नया दृष्टिकोण, नया विजन उभर कर आता है। इस महाकाव्य में महाकवि ने पूर्व मेघ के माध्यम से संयोग श्रृंगार का, जिसे हम संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, तो उत्तर मेघ में संदेश के बहाने विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार का अद्भुत समन्वय किया है। पूरा खंड काव्य जहां पहले पूर्व मेघ में 66 श्लोक हैं तो उत्तर मेघ में 55 श्लोक हैं, एक ही छंद प्रवृत्त हुआ है जो महाकवि कालिदास का प्रिय छंद है मंदाक्रांता। तो मेघदूत में मंदाक्रांता की मंथर गति का बहुत सुंदर विन्यास हुआ है। इस गीति काव्य को अर्थांतर न्यास का भी एक सुंदर स्थान कहा जा सकता है और इसीलिए कालिदास के लिए उक्ति पड़ गई कि अर्थांतर न्यास संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। यद्यपि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा की भरमार है, तो आइए महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उन खास श्लोकों का, प्रमुख श्लोकों का जो खास करके परीक्षोपयोगी हैं, ये गान करते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, छंद की दृष्टि से यह मंदाक्रांता है, किंतु यदि हम इसे राग रागिनी की दृष्टि से देखें तो इसमें मुझे वियोग श्रृंगार, पूर्व मेघ में संयोग श्रृंगार है तो उत्तर मेघ में वियोग श्रृंगार है, उस वियोग श्रृंगार की अद्भुत झलक जान पड़ती है। मैं आपके लिए सबसे पहले इसे गान करूँगा। ये मालकोस में इस रागिनी मंदाक्रांता की मंथर चाल मालकोस में कैसे देखेंगे हम। पहला श्लोक आप फलक पर देख रहे हैं, यही इस महाकाव्य का, गीति काव्य का पहला श्लोक है जिसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जा सकता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ऐसा होता है जहाँ वस्तु का कथन कर दिया गया है, कश्चित शब्द से है। वैसे कालिदास ने अपने महाकाव्यों में, चाहे वह रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो, अथवा अभिजान शाकुंतलम हो, इसमें भगवान भोले शंकर की उपासना की है, प्रार्थना की है, लेकिन यहाँ वो कश्चित शब्द से इस मेघदूत का प्रवर्तन कर रहे हैं। आइए मालकोस में इस वियोग श्रृंगार को देखें, कैसा सुंदर काव्य विरचन किया है महाकवि कालिदास ने। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रवत्तः शापेनस्त
तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये मालकोस राग में है, प्रेम है। खास करके यहाँ कोई संदेश नहीं है, लेकिन इस पहले श्लोक में वस्तु निर्देश कर दिया है महाकवि कालिदास ने। ये मेघदूत का पहला श्लोक, आइए इसका मर्म समझें कि कश्चित कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। मैं अगले श्लोकों में आपको मंदाक्रांता की चाल कैसे चलती है बताऊंगा। अभी बता दें कि मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगई, अर्थात अम्बुधि से चार का रस छह और नग अगले अक्षर है, यानी कि चार पद छह पद और सातवें पद। तो ये जो चार छह और सात के द्वारा यति का परिवर्तन किया है ये देखेंगे हम। तो पहले कश्चित कांता, इस पर यति हुई, विरह गुरुणा इस पर यति हुई, और फिर अंतिम पंक्ति है ही पूरी जो बची हुई स्वाधिकारात् प्रमत्ता। इस प्रकार हम चार छह और अगली पूरी पंक्ति में यति गति का नियम है। अब कहते हैं कि कोई यक्ष, कश्चित यक्ष, नाम निर्देश नहीं किया है कालिदास ने, कश्चित यक्ष कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, स्वाधिकारात् प्रमत्ता। यहां से प्रारंभ करेंगे। एक बार हम जो श्लोक लिखा है उसको देख ले कि कश्चित यक्ष कांता विरह गुरुणा, अपनी कांता के, अपनी पत्नी के, अपनी प्रेमिका के विरह से असहनीय, नहीं सहने योग्य, क्या स्व अधिकारात् प्रमत्त, उस यक्ष को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दुख क्यों झेलना पड़ा, विरह क्यों झेलना पड़ा, अधिकार के प्रमाद से। अधिकार का मतलब यहां कर्तव्य हुआ, अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण क्या हुआ, भर्तुहु शापेन, भर्तु भर्ता अर्थात उनके स्वामी थे कुबेर, यक्षाधिपति कुबेर, धनपति कुबेर, उस भर्ता के शाप से एक वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करने के उस शाप से अस्तंगमित महिमा, यस्य महिमा अस्तंगमित, जिस यक्ष की महिमा धूमिल हो गई थी, जो निर्वासित कर दिया गया था एक वर्ष तक रामगिरी के पर्वतों पर, ऐसे तो यहां कथन हो गया, भव्य कथन हो गया। महाकवि कालिदास ने पहले श्लोक में कह दिया है कि धनपति कुबेर के सेवक के रूप में जो यक्ष कार्य कर रहा था उसने कोई प्रमाद कर दिया, उसने कोई ऐसी लापरवाही कर दी जिसके कारण स्वामी कुबेर उससे रुष्ट हो गए और उन्होंने एक वर्ष का उसे शाप दे दिया। तो इस प्रकार शाप से जिसकी महिमा अस्तंगमित हो गई, ऐसा वह यक्ष कश्चित यक्ष कांता विरह गुरुणा, अर्थात अपनी पत्नी के विरह से असहनीय दुख को उसने भोगने के लिए क्या किया, ऐसा कश्चित यक्ष, तीसरी पंक्ति में देखें कश्चित को यक्ष से जोड़ दें, ऐसा कोई यक्ष चक्रे किया, चक्रे थे यहां ये दसवां लकार है क्री धातु का, तो उसने क्या किया, निवास किया, निवास के लिए चतुर्थ पंक्ति में बीच में शब्द है वसतिम, वसतिम से निवास किया, यक्षः वसतिम चक्रे। तो अगर हम अन्वय की दृष्टि से केवल इतना ही निकाल लें कि कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, ऐसे किसी यक्ष ने अपना निवास बनाया, कैसे यक्ष ने कहां निवास बनाया, ये पूरे श्लोक में है। तो निवास कहां बनाया उसके लिए दो पंक्तियों में देखें कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, जनक तनया अर्थात वनवास काल में जहां भगवान राम मां सीता के साथ जिस आश्रम स्थली में, वनों में, रामगिरी के आश्रमों में रहे थे, अतः जनक तनया मां सीता के स्नान से पवित्र हुए, अर्थात सीता के स्नान से बचे हुए जल उन पेड़ों में पहुंचता था, थालियों में, तो उन स्नान से
सीता के स्नान से पवित्र हुए जल वाले, ऐसे और स्निग्ध छाया सघन छाया वाले उन वृक्षों के तरुषु, कहाँ है वृक्ष, रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में, जो पहले से ही रामगिरी पर्वत के वो आश्रम के वे वृक्ष सघन छायाओं वाले थे और पवित्र जल वाले थे, क्योंकि माँ सीता के स्नान से वे स्थल पवित्रित थे। अतः यक्ष ने उसी रामगिरी के आश्रमों में उन वृक्षों के छायाओं में अपना निवास बनाया। कैसे यक्ष ने, पहली दो पंक्तियों में आ गया कि अपने कर्तव्यों में लापरवाही, प्रमाद, आलस के कारण धनपति कुबेर के एक वर्ष का निर्वासित जीवन करने के शाप के कारण जिसकी महिमा धूमिल हो गई थी, ऐसे किसी यक्ष ने जो कांता से दूर अपनी पत्नी अपनी यक्षिणी से दूर रह करके एक वर्ष का के लिए उसने रामगिरी पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया। ये है मंगलाचरण, और वो भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो महाकवि कालिदास का यह महागीति काव्य पूरे भारतवर्ष की एक ऐसी सांस्कृतिक आभा, ऐसी भौगोलिक समृद्धि का परिचायक है। इसमें महाकवि ने रामगिरी से अलका के वैभव का बहुत सुंदर वर्णन किया है, इसलिए ये उक्ति ठीक जान पड़ती है कि महाकवि कालिदास वास्तव में प्रकृति कवि हैं, उनसे बड़ा प्रकृति का मर्मज्ञ, इसलिए उनको कविता कामिनी कांत कहते हैं। महाकवि कालिदास की कविता कामिनी बड़े उत्कृष्ट है। आइए अगला श्लोक महत्वपूर्ण देखें, जिसमें अर्थांतरन्यास का सुंदर दिखाई दे। ये आपको जो स्लाइड दिख रही है कल ही तैयार की है मैंने, पृष्ठ में इसके पृष्ठ भाग में आप मेघ को निवेदन करता हुआ यक्ष जो है वो जब मानसून का समय आता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर मेघ उमड़ते हैं, तो उन बादलों को, क्योंकि वो उसकी प्रिया तक जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो काश ये मेघ मेरा संदेश ले जाए। वह यक्ष उन मेघों को संदेश देने के बहाने उनसे प्रार्थना कर बैठता है। यही महाकाव्य की इस गीति काव्य का नामकरण का आधार है, मेघ दूत। मेघ कभी दूत नहीं बन सकता है, मालूम है, हम भी जानते हैं, कालिदास भी जानते थे, किंतु यही तो एक कवि की कल्पना है, कल्पना लोक की ऊंची उड़ान है। देखिए क्या कहते हैं, ये पूर्व मेघ का पांचवा श्लोक है। धूमः ज्योतिः सलिलमरुतम् सन्निपातः क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया। इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। मंदाक्रांता की मंथर चाल को मैंने मालकोष में पिरोया है, क्योंकि यह प्रेम का संदेश है, योग श्रृंगार है। यहां यक्ष बादलों को देख करके भावुक हो गया। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो कालिदास कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि धूमः ज्योतिः सलिलमरुतम् सन्निपात मतलब मिश्रण, संघात, समूह, धुएं का, अग्नि का, पानी का और हवा का, बादल क्या है, मेघ क्या है, इनका समूह ही तो है। धुआं, अग्नि, चमक, सलिन, पानी, जल और वायु, इनका मिश्रण है, समूह है, संघात है। ऐसा मेघ कहां, और संदेशार्थ क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः, और पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः संदेशार्थ क्व, वो मैंने कहा पटुकर्णैः, कुशल इंद्रियों वाले, पटु मैंने चालाक, वैसे कुशल इंद्रियों वाले मनुष्यों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश कहां, क्या मैंने कहा
संदेश का विषय कहाँ और वही संदेश कौन ले जाएगा? जिसके अंदर सामर्थ्य हो। मेघ संदेश कैसे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो कहाँ तो मेघ और कहाँ कुशल मनुष्यों द्वारा पहुंचाए जाने वाले संदेश के विषय कहाँ? किंतु तीसरी पंक्ति देखें, इत्यौत्सुक्यात् अपरिगणयन् इति औत्सुक्यात्, कि उत्सुकता के कारण अपने प्रिया तक, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी यक्षिणी तक अपने संदेश को पहुंचाने की उत्सुकता के कारण ये गणना नहीं करते हुए, अपरिगणयन न परिगणयन थी अपरिगणयन, किसकी गणना नहीं करते हुए कि कहां मेघ और कहां संदेश, न परिगणयन इति अपरिगणयन गुह्यक स यक्ष तम ययाचे, उस मेघ को प्रार्थना कर बैठा, प्रार्थना कर डाली, उसने याचना कर डाली, तम तमिति उसको, किसको? मेघ को प्रार्थना कर बैठा उत्सुकता के कारण, अपनी प्रिया, अपनी प्रेमी प्रेमिका यक्षिणी के जीवन रक्षण में जिसका चित्त विषय है कि वो क्या कर रही होगी, ऐसे उस यक्ष ने प्रार्थना करी। महाकवि कालिदास अर्थांतर न्यास सम्राट भी है, चतुर्थ पंक्ति को देखें, यह अर्थांतर न्यास है। सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन कराए जाने से अर्थांतर न्यास अलंकार प्रवृत्त होता है। ही इति क्योंकि कामार्थः, ये कामार्थः सन्ति, ये कामुकः सन्ति, जो काम पीड़ित हैं, जो कामातुर हैं, जो कामी हैं, वो प्रकृति कृपणः, वो प्रकृति से कृपण होते हैं, स्वभाव से ही दीन होते हैं। और चेतना अचेतनेषु, चेतन अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन होते हैं। कौन? कामार्थ लोग, कामी जन, काम से पीड़ित, जिनके चित्त में भोग की प्रवृत्ति रहती है, तो ऐसे कामातुर लोग चेतन और अचेतन, सजीव और निर्जीव के विषय में स्वभाव से दीन होते हैं। वे अंतर नहीं कर पाते हैं कि निर्जीव जिसके अंदर वो चेतना नहीं है, वो क्या ये संदेश ले जाएगा? यह महाकवि कालिदास ने सुंदर अर्थांतर न्यास के द्वारा एक विशेष बात कह दी है, सामान्य की वर्णना करते हुए विशेष बात कह दी। तो ये महाकवि कालिदास का काव्य कौशल है, कला कौशल है। संपूर्ण विश्व में मेघदूत बहुत प्रसिद्ध, छोटा सा है, इसको लघुत्रयी में परिगणित किया है, ये संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में विशिष्ट है मेघदूत। तो इस श्लोक में व्याकरण की का कुछ काठिन्य हो तो देखें, धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात, सन्निपात इति सम निपात, ये पत घई से सन्निपात मिश्रण, क्व यानि कहा मेघ संदेशार्थ, क्व पटु कर्ण ही प्राणी भी प्रापणीय। तीसरी पंक्ति में मुझे व्याकरण का अधिक दिख रहा है, इति औत्सुक्यात, यहाँ संधि हुई है, इको यणजी इत्यौत्सुक्यात, इति औत्सुक्यात, औत्सुक्यात के बाद अपरिगणयन है, तो यहाँ झलाम जशोन्ते से द परिगणयन हो गया, इति औत्सुक्यात अपरिगणयन गुह्यक तम गुह्यकस्तम, गुह्यक इति यक्ष, गुह्यक तम गुह्यकस्तम सत्वसंधि। तो इस प्रकार यहाँ तीसरी पंक्ति में व्याकरण दिख रहा है, ये महाकवि कालिदास का मेघदूत का अर्थांतर न्यास लिए हुए पहला श्लोक है, जो मेघदूत पूर्व मेघ का पंचम श्लोक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और श्लोक देखें। यहाँ मुझे एक श्लोक यहाँ जान पड़ता है, देखें आप तृतीय श्लोक जो पूर्व मेघ का छठा श्लोक है, इस पे भी अर्थांतर न्यास का पुट विद्यमान है। अब वो प्रार्थना करता है, क्या कहता है यक्ष मेघों को, देखिए जरा काले बादलों को देखकर उसका मन, प्रेमी मन मचल उठता है कि
कि काश मेरा संदेश ले जाएंगे मेरे प्रियतम। वो बैठा है मध्य भारत दक्षिण और मध्य के बीच में जो रामगिरी है, आजकल वो महाराष्ट्र में पड़ता है, रामटेक पर्वत उसी को माना जाता है रामगिरी। तो रामगिरी के पर्वतों पर जो पेड़ हैं स्निग्ध सघन छायाओं वाले, उनको अपना निवास बनाया। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून के काले मेघ उमड़ते हुए जब उत्तर की ओर जाने को आतुर थे, तो उसका प्रेम मन मचल करके वो संदेश पहुंचाने के लिए प्रार्थना कर बैठा। क्या प्रार्थना कर बैठा देख रहे हैं। मालकोस की प्रेमी हृदय, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वं प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोरः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याइचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। क्या कहते हैं महाकवि, देखिए, जातम उत्पन्न, वंशे वंश में, भुवन विदित भुवनों में, विदित 14 भुवनों में, सभी लोकों में प्रसिद्ध, विदित मन सर प्रसिद्ध। और पुष्कर आवर्त का नाम, पुष्कर आवर्तक, ये मेघों के पूर्वज हैं। मेघ है वो इसी, इनकी यदि वर्तमान मेघ यदि वंशज हैं तो उनके पूर्वज पुष्कर आवर्तक मेघ समूह हैं। तो पुष्कर और आवर्तक मेघों के विश्व प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुआ, जातम उत्पन्न हुआ। जानामि, यक्ष कह रहा है मेघों से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, जैसा कि चित्र में आप दोनों चित्रों में देख पा रहे हैं, उन बादलों को देख करके यक्ष प्रार्थना कर बैठता है। क्या प्रार्थना कर बैठता है वो आगे के श्लोक में आएगा, लेकिन यहां वो कह रहा है, पहली बार यक्ष कह रहा है, हे मेघ, तुम पुष्कर आवर्तक मेघ समूहों के वंश में उत्पन्न हुए हो, मैं तुमको जानता हूं, ऐसा जानता हूं, त्वाम जानामि, मैं तुमको जानता हूं, क्या जानता हूं, प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः। प्रकृति पुरुष का मतलब इच्छा अनुसार, इच्छा अनुकूल रूप धारण करने वाला पुरुष, इच्छाधारी पुरुष, प्रकृति पुरुषम काम रूपम का मतलब काम रूप, इच्छा अनुसार किसका, लेकिन मघोनः, मघवन और षष्ठी एक वचन मघोनः अर्थात इंद्र का, देवराज इंद्र का, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रकृति पुरुष तुमको समझता हूं। हे मेघ, तुम साधारण नहीं हो, पुष्कर आवर्तक मेघों के वंश में उत्पन्न हुए हो, इंद्र के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले प्रकृति पुरुष हो, मैं तुमको इस प्रकार जानता हूं। पहली दो पंक्तियां, फिर क्या कहता है यक्ष, तेन अर्थित्वम, तेन अहम अर्थित्वम गत, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे इस याचना को गिड़गिड़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अर्थित्व को प्राप्त हुआ हूं इसी कारण, त्वयि आपके प्रति, तेनार्थित्वम तेनार्थित्वम इसी कारण से, त्वयि आपके प्रति विधिवशात अर्थात दुर्भाग्य से, विधि के वश, विधान के कारण, विधि के विधान के कारण, दूर बंधुर यस्य बंधु दूरगत अर्थात जिसका बंधु दूर है, मैं रामगिरी पर्वत पर हूँ और मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी कहाँ है, अलकापुरी, हिमालय की गोद में स्थित यक्षनगरी अलका वहाँ है, ऐसा मैं अहम अर्थित्वम गता, जिसका प्रेमी, जिसकी प्रेमिका दूर, बहुत दूर स्थान पर है, दुर्भाग्य से जो एक वर्ष का निर्वासित जीवन जी रहा है, विधि के विधान के कारण जिसको अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से दूर कर दिया गया है, इसीलिए मैं, हे मेघ, आपके प्रति इस याचना को, इस प्रार्थना अर्थित्व को, अर्थात मैं यहाँ आपके प्रति करबद्ध निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इंद्र के प्रकृति पुरुष हो,
एक तरह से यहाँ यक्ष ने प्रार्थना कर दी कि मेरी प्रेमिका यक्षिणी अलका में बैठी हुई है, तुम पुष्कर आवर्तक मेघों में उत्पन्न हुए हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इंद्र के प्रकृति पुरुष हो, तो जरूर मेरा संदेश मेरी प्रेमिका तक ले जाओगे। यहाँ ये बात समाप्त हो गई। फिर कालिदास कहते हैं यक्ष ही चौथी पंक्ति में, यक्ष के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। यक्ष कहता है कि यंचा मोघावरम अधिगुणे अधिगुणे याचा मोघापि याचा वरम अस्ति। ये बहुत सुंदर सूक्ति है, विद्यार्थी इसको सुने कि अधिगुण, अधिगुण का मतलब गुणियों से, गुणवानों के आगे जो गुण संपन्न लोग हैं, गुणी हैं, श्रेष्ठ हैं, सदाचारी हैं, उनके आगे की गई याचना, याचना याचना की प्रार्थना, ये याचा मूल शब्द है संस्कृत में, याचा कहेंगे इसको, याचा का मतलब याचना। कैसी याचना? मोघा, मोघा का मतलब निष्फल, कुछ नहीं मिला, प्रार्थना करी और कुछ नहीं मिला, ऐसी निरर्थक निष्फल याचना वरम होती है, श्रेष्ठ होती है, उत्कृष्ट होती है। अर्थात गुणवानों के आगे की गई निष्फल याचना भी सफल उत्कृष्ट होती है, किंतु न अधमे लब्ध कामा, लब्ध कामा भी अधमे न वरम, किंतु सफल मनोरथ वाली ऐसी याचना, फल वाली जो मांगा मिल गया, लेकिन किनसे? निकृष्ट लोगों से, अधम निर्लज्ज कुटिल द्रोही कपटी छली, ऐसे लोगों से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती है। तुम है मेघ, तुम अधिगुण हो, अधिगुण का मतलब गुण संपन्न हो, पुष्कर आवर्तक मेघों के कुल में उत्पन्न हुए हो, इंद्र के इच्छाचारी पुरुष हो, अतः तुम गुण संपन्न हो, अतः मुझे मेरी याचना निष्फल भी हुई तो मुझे कोई रंज नहीं है। यहां महाकवि कालिदास ने कितना सुंदर अर्थांतर में कितना सुंदर संदेश दिया है कि लब्ध कामा, लब्ध कामा मतलब प्राप्त, जो चाहा वो मिल गया, लेकिन अधम से, अधम लोगों के आगे की गई ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना कभी सफल, कभी उत्कृष्ट नहीं होती, कभी अच्छी नहीं होती है। दुष्टों से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वे उसका उस समय तो दे देंगे लेकिन उसके बाद में उसका दुरुपयोग करेंगे। तो सज्जनों से की गई याचना निष्फल भी हो तो अच्छी होती है, लेकिन दुर्जनों से सकाम प्रार्थना भी अच्छी नहीं होती है। बहुत सुंदर संदेश दिया है महाकवि कालिदास का यह सुंदर अर्थांतरन्यास से भरा श्लोक है। आप एक श्लोक और पढ़कर हम इसको, आज वीडियो का समय जा रहा है, आधा घंटा खूब होता है, अगले श्लोक पूर्व में का नौवां श्लोक है। मंदाक्रांता और मालकोस देखिए। तामचावश्यम दिवस गणना तत्परा मे कपत्नी मव्यापन्नाम विहित गतिर द्रक्षसी भ्रातृजायां आशाबंधः कुसुम सदृशं प्रायशोयं गणानां सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। यत्स यक्ष कहता है कि हे मेघ, ताम उसको साथ देता, ताम ते ता ताम उसको अर्थात यक्षिणी को, च च अवश्यम चावश्यम अवश्य, क्या दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यापन्नम अविहित गति भ्रातृजायाम। ये विशेषण है, किस किस के विशेषण देखें, इनमें से अधिकांश विशेषण यक्षिणी के हैं। यक्ष कह रहा है कि तुम मेरी यक्षिणी को, अपनी भाभी को, हे मैं तुम मेरे भाई हो, अतः यक्षिणी तुम्हारी भाभी हुई, भ्रातृजायाम अपनी भाभी को, उसके पहले वाला शब्द देखें, द्रक्षसी देखोगे, जरूर देखोगे वहां पर, तुम यहां से
दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो तो हिमालय पहुंचने पर वहां अलका में, अलका नगरी में मैं जो स्थान बताऊंगा, घर के चिन्ह वहां पर यक्षिणी को, उसकी यक्षिणी की और क्या क्या विशेषण देखेंगे, अवश्यम द्रक्षसि, जरूर देखोगे यक्ष, उस यक्षिणी को जरूर देखोगे। किस यक्षिणी को? दिवस गणना तत्पराम, जो दिवस दिवसों की गिनती में तत्पर होगी, अर्थात जो कुबेर के शाप में कितने दिन बचे हैं, अर्थात अब 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, मेरे यक्ष अब आने वाले हैं, इस प्रकार की दिवसों की गणना करने में तत्पर तत्पर उस यक्षिणी को। फिर एक पत्नी, एक पत्नी का तत्पर्य पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, अर्थात जो सदाचारी स्त्री है, यहां जिसका पति कहीं दूर गया है तो उसके मन में कोई विकार कोई खोट नहीं आए, वो अपने पति का ही चिंतन करे, हित चिंतन करे, उसको एक पत्नी, उसको पतिव्रतधारी स्त्री कहते हैं। तो दूसरा विशेषण हो गया। तीसरा विशेषण है अव्यापन्नम, नव्यापन्नम, व्यापन्नम का मतलब समाप्त, मरी हुई, नव्यापन्नम इति अव्यापन्नम, अर्थात जीवित, जीवित देखोगे। और चतुर्थ विशेषण है अंत में भ्रातृजायाम, भाभी को, ताम भ्रातृजायाम, तुम उस भाभी को, अपनी भाभी को, हे ये मेघ जो दिवसों की गणना, बचे हुए दिनों की गणना कर रही होगी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली और मेरे इंतजार में, मेरी प्रतीक्षा कर रही, उसको अवश्य जीवित देखोगे। अव्यापन्नम द्रक्षसी, एक शब्द, एक जो बीच में विशेषण आया है वो है मविहित गति, इस म को यदि अलग कर देंगे तो शब्द निकलेगा अविहित गति, ये मेघ के लिए आया है, यहाँ यक्ष का संबोधन है मेघ के लिए, अविहित गति, अर्थात तुम्हारी गति तो अविहित है, अर्थात उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है, तुम जाते जाओगे हे मेघ, इसलिए निर्वात गति वाले हे मेघ, तुम जब वहां पहुंचोगे अलका में, हिमालय में, तो दिवसों की गणना करती हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई उस तुम्हारी भाभी को अवश्य जीवित देखोगे, जरूर वो वहां इंतजार कर रही होगी मेरे शाप के दिनों का कब समापन हो और मैं कब वहां वापस जाऊं, ये भाव। अब यहां फिर से तीसरी चौथी पंक्ति में अर्थांतर न्यास है, महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रोद्धि, आशा का जो बंधन है, उम्मीद की जो डोर है, वो फूलों के जैसी होती है, कुसुम सदृशम, कितना सुंदर श्लोक है। महाकवि कालिदास की संस्कृत कठिन हो सकती है, आज के वर्तमान समय में थोड़ा सा हमें उसका काठिन्य दिख सकता है, किंतु जो संदेश है अर्थांतर न्यास के माध्यम से, देखें आप कि जो आशा का बंधन है, उम्मीदों का जो, उम्मीदों की डोर है, वो फूलों के जैसी होती है, कुसुम पुष्प जैसी होती है, पुष्प सी कमल होती है, प्रायश प्रायः विशेष रूप से ही अंगनानाम, ही अंगनानाम, यण संधि हो गई है, ही को अलग कर देंगे, ही पहले आ जाएगा दोनों वाक्यों के बीच में, एक सामान्य दूसरा विशेष, देखोगे कहते तुम जीवित देखोगे हे मेघ, अपनी भाभी को जरूर जिंदा देखोगे, वो मरी नहीं होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि अंगनाओं के लिए, अंगना माने स्त्री, षष्ठी बहुवचन है अंगना नाम, अंगनाओं के लिए, अंगनाओं के प्रणय हृदयम, प्रेमी हृदय को जो आशाओं का बंधन है वो पुष्पों जैसा होता है, जो प्रेमी हृदय को, अंगनाओं के प्रेमी हृदय को, प्रणय हृदयम को सद्यः पाति, शीघ्र नष्ट होने से, शीघ्र टूटने से, खास करके कब, विप्रयोगे, जब वियोग होता है, जब बहुत लंबे समय तक उसका प्रिय दूर रहता है, रुणद्धि रोक लेता है, किसको रोक लेता है, नष्ट होने से, सद्यः पाति, नष्ट होने से रोक लेता है, कौन रोक लेता है, आशाओं का बंधन, किसको रोक लेता है, अंगनाओं के प्रणयी हृदय को, प्रेमी हृदयों को टूटने से, नष्ट होने से बचा लेता है, उम्मीदों का बंधन। एक अंधेरा लाख सितारे, नादा है जो जीवन से हारे,
सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। तो हार हार नहीं मानना। तो स्त्रियों के प्रेमी हृदय को आशाओं का बंधन बांध के रखता है, वो नष्ट नहीं होने देता है। इसलिए हे मेघ, तुम वहां जाओगे, तुम अपनी भाभी को जिंदा देखोगे, वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। कितना सुंदर संदेश है प्रकृति के माध्यम से। महाकवि कालिदास प्रकृति कवि हैं। मेघदूत एक साथ भारत के साथ, भारत की भूगोल, भारत का विविधता, भारत का सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक वैभव, इन सब का इंसाइक्लोपीडिया है। क्या संगीत, क्या प्रकृति, क्या छंद, क्या भाषा, क्या भाव। कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास की ये रचना वास्तव में विश्व प्रसिद्ध है। जिसने मेघदूत नहीं पढ़ा, वह भावनाएं क्या होती है वह नहीं जान सकता है। इसलिए अभी परीक्षाओं के दिन है, विद्यार्थियों के लिए मैं मेघदूत के इन खास श्लोकों को, जो अर्थांतर न्यास वाले हैं, जिनमें संदेश है, मैसेज छिपा है, आपके लिए लेकर आया हूं। लगातार इसको देखते रहे। अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर आपके साथ आऊंगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।